इसको अपन हिंदी में कहते हैं शब्द संसाधन। शब्द संसाधन से क्या होता है, दैनिक जीवन में कई सारे कार्य जैसे पत्र लिखना, रिज्यूम बनाना, किसी भी प्रकार के दस्तावेजों को बनाना, रिपोर्ट बनाना आदि में जो समय लगता है वह किसी भी कंप्यूटर आधारित प्रोसेस से बहुत आसानी से किया जा सकता है। सो सिंपली वी कैन से कि अपने को कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, जस्ट लाइक बायोडाटा बनाना है, या अपने को और कोई भी डॉक्यूमेंट जो टाइप करना है उसका सबसे बेस्ट जो संसाधन है वो आपका वर्ड संसाधन है। अभी देखते हैं सर शब्द संसाधन के अपने क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, इसको अपन यहाँ पर देखेंगे। एक पारंपरिक टाइप राइटर के स्थान पर शब्द संसाधन का प्रयोग करने का मुख्य लाभ यह है कि शब्द संगणना को संपूर्ण दस्तावेजों को पूर्ण लिखने के बिना ही आप किसी दस्तावेज में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ शब्द संसाधन जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आसानी से आप दस्तावेजों में परिवर्तन कर सकते हैं, दस्तावेज से पैराग्राफ या पृष्ठ को कॉपी किया जा सकता है, हाशिए और पृष्ठ की लंबाई को आप बढ़ा सकते हैं, वर्तनी की जांच और वर्तनी की शुद्धता को आप इससे क्लेरिफाई कर सकते हैं, एक या एक से अधिक दस्तावेज फाइलों को आपस में आप मर्ज कर सकते हैं। ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सारे इसके क्या हैं, आपके एडवांटेजेस हैं। नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फॉन्ट और फॉन्ट के आकार को भी इसमें बदला जा सकता है, पृष्ठ क्रमांक और शीर्ष लेख आदि के पाद और लेख को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार इसकी सहायता से वर्तनी की जांच की जा सकती है, वर्तनी में सुधार करके दस्तावेजों को सही किया जा सकता है। दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। नाउ इसी में अपन आगे चलते हैं, वर्ड प्रोसेसर को कैसे, हाउ वी कैन ओपन वर्ड इन आवर कंप्यूटर और आवर डेस्कटॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू गेट द आइकन अगर आपको मिलता है तब तो आप आइकन के थ्रू उसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप करेंगे क्लिक स्टार्ट बटन पे, या फिर यहाँ पर आपको एक जो विंडो का साइन मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे, नियर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड ऑफिस में आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। द्वितीय विधि जो है वो प्रथम विधि मैंने आपको बताई जो वो दिखी है सामने। सेकेंड जो मेथड है इसका, डेस्कटॉप में आप कहीं पर भी राइट क्लिक करिए, शॉर्टकट मेन्यू खुल जाएगा, शॉर्टकट मेन्यू इस तरह से आप खोल सकते हैं, राइट क्लिक करते ही आपके पास में ऑप्शन आएगा न्यू, न्यू के अंदर आता है आपका शॉर्टकट, और शॉर्टकट में यहाँ पर आ रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका ये आइकन बन जाएगा, और इस आइकन के बनने के बाद में जब आप इस पर दो बार क्लिक करेंगे तो आप अपने वर्ड प्रोसेसर में चले जाएंगे। दिस इज द मेन विंडो ऑफ वर्ड प्रोसेसर जो यहाँ बताया गया, दिस इज द मेन विंडो, ये इसका मेन विंडो आ रहा है, इस तरह से अपने को स्क्रीन पर ये चीज दिखाई देगी। इस सब शब्द के जो महत्वपूर्ण घटक हैं, इस वर्ड प्रोसेसर के जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको मैं आपको यह बता रहा हूँ जो इस बड़ी पिक्चर्स को अपन ने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहला वाला जो आपका ये बार आ रहा है, इस बार को अपन क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है नीचे रिबन टेक्स्ट आते हैं, और फिर आते हैं रिबन ग्रुप्स, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ऑल ऑप्शंस विल बी अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ द योर वर्ड प्रोसेसर बार। रिबन से क्या अभिप्राय है, रिबन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिबन से हम मुख्य मेन्यू एवं उप विकल्पों को खोल सकते हैं, मेन मेन्यू को खोल सकते हैं, उप विकल्पों को खोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विभिन्न तरह के मेन्यू होते हैं जैसा कि आपको ऊपर चित्र में बताया गया है, इनको आप बहुत सारे ऑप्शन जो भी है वो सारे जो भी वर्किंग कर रही है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिबन हो गया, इसी तरह से होती है रूलर बार, इस तरह से एक रूलर बार होती है आपकी जो कि आपको पेज को ऊपर और नीचे मूव करने के काम में आती है, ठीक है ना। उसके बाद में आती है आपकी स्टेटस बार, दिस इज योर स्टेटस बार, जो कि स्टेटस बताती है कि वर्तमान में सक्रिय दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है कि ये पृष्ठ संख्या, कर्सर की स्थिति, स्तंभ और पंक्ति की संख्या को दर्शाती है। उसके बाद में आती है आपकी स्क्रॉल बार, स्क्रॉलिंग करने के लिए स्क्रीन को, स्क्रॉल पट्टी की मदद से आप दस्तावेजों की सामग्री को ऊपर नीचे और दाएं बाएं कर सकते हैं, और अगर कोई सामग्री कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर जा रही है तो उसे आप देख भी सकते हैं। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ स्क्रॉल बार। फिर आता है इसका मेन मेन्यू, मेन मेन्यू जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। मुख्य मेन्यू स्क्रीन के शीर्ष और रिबन में प्रदर्शित होता है, इसमें मुख्य मेन्यू और उप मेन्यू होते हैं, मुख्य विकल्पों में से आप उप विकल्पों को चुन सकते हैं, कुछ विकल्प फीके डिसेबल दिखाई देते हैं और कुछ इनेबल्ड होते हैं, तो आप जो वर्किंग करेंगे वो इनेबल्ड के अकॉर्डिंग करेंगे, जो इनेबल होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सारा काम करना पड़ेगा। उसी तरह आता है मुख्य मेन्यू विकल्प की आपकी एक्सेस टूल बार आती है, ये आपकी मुख्य मेन्यू विकल्प की एक एक्सेस टूल बार यहाँ पर आपको बताई गई है, इसमें सारे ऑप्शन जो है वो आपको अवेलेबल रहते हैं।
जैसे सेव, अंडू, रीडू, ये सारी चीजें हैं। सेव आप किसी भी दस्तावेज को, आपने कोई फाइल बनाई है उसको आपको सेव करना है तो आप सेव को काम में लेंगे। अंडू, आपने कोई काम किया, सपोज आपको लगता है कि वो काम गलत हो गया है तो वापस अपने को उसको हटाना है तो यू कैन यूज अंडू ऑप्शन, अंडू से आप बैक जा सकते हैं। रीडू, कई बार ऐसा होता है कि अपन ने किसी चीज़ को उड़ा दिया है, खत्म कर दिया, लेकिन लगता है कि नहीं वो चीज़ हमारे काम की थी, तो रीडू ऑप्शन पे आप जब रीडू बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस से वो पुराना वाला जो भी काम आपने डिलीट किया था वो आ जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज कंट्रोल प्लस वाई। आप अगर कीबोर्ड के थ्रू काम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई को दबा के आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। फिर आता है इसमें आपका मेन मेन्यू, फाइल मेन्यू जिसको अपन कहते हैं, फाइल मेन्यू आ रहा है। फाइल मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बताए गए हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, शेयर, हेल्प ऑप्शन एंड एग्जिट, दीज आर द मेन मेन्यूज ऑफ फाइल मेन्यू। सभी जने जानते हैं न्यू मेन्यू से क्या होता है, आप जब भी कोई भी नया दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने एक विंडो खुलाई देगी और इस विंडो के अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर आप यहाँ किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट, इस जगह पर आपका नीचे क्रिएट आएगा, तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक खाली फाइल आपके सामने आ जाएगी। उसी के बाद में आता है ओपन, आपने पहले कोई फाइल बना रखी है और उसको आप खोल के देखना चाहते हैं तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का बॉक्स आपके सामने आएगा, इसमें बहुत सारी फाइल्स के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि पर्टिकुलर आपकी फाइल किस फोल्डर में है, माई डॉक्यूमेंट्स में है, माई कंप्यूटर में कहाँ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस जगह से सेलेक्ट करेंगे कि आपकी फाइल माई डॉक्यूमेंट में, तो माई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, यहाँ पर फाइल्स के नाम आएंगे उस पर क्लिक करें और ओपन ऑप्शन आता है, उस ओपन पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे वो फाइल जो बनी हुई थी आपकी पहले वो यहाँ पर आपको व्यू हो जाएगी। इसी में आता है आपका सेव, सेव एज इट इज, जैसे अपन ने फाइल को ओपन किया था, आप जैसे ही किसी भी फाइल को सेव करने के लिए जाते हैं तो एक बॉक्स खुलता है और वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, सेव, सेव के लिए बॉक्स खुलेगा, वो आपसे पूछेगा फाइल का नाम, आप फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम दीजिएगा, उसके बाद में आप फाइल को किस फोल्डर में रखना चाहते हैं, माई डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं, माई कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, आप जिसमें भी रखना चाहें यहाँ से वो आप फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। आफ्टर डेट आप सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं वो फाइल आपकी वहां पर सेव हो जाती है। इसी में आगे बढ़ते हैं अपन, क्लोज, जब आपका सारा काम हो जाता है और आपको उस फाइल को बंद करना होता है तो जो भी स्क्रीन आ रही होती है उसके राइट हैंड साइड में ऊपर देखिएगा यहाँ पर ये क्रॉस का निशान बना हुआ है, इसको आप क्रॉस करेंगे फॉर क्लोजिंग योर फाइल, आप उसको क्लोज कर सकते हैं। सेव एज, सेव एज में क्या फर्क है, जैसे आपने कोई फाइल बनाई है आप चाहते हैं उसकी एक कॉपी और अपने पास में सेव रहे तो आप उस सेव एज को यूज कर सकते हैं, उस फाइल के अंदर का कंटेंट सेम रहेगा, केवल जो फाइल का नाम है वो आपका चेंज हो जाएगा, तो यू कैन यूज सेव एज ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ न्यू फाइल। आपको जो भी फाइल बनी हुई है, एग्जिस्टिंग फाइल जो भी है आपकी, उसकी एक नई कॉपी आपको बनानी है तो यू कैन यूज सेव एज एंड द बॉक्स विल अपीयर सेम, जैसा सेव के अंदर बॉक्स खुलता है वैसा ही आपका सेव एज में बॉक्स खुलेगा। प्रिंट प्रीव्यू, आपको कोई प्रिंट में डालना है तो आपको देखना है कि प्रिंटिंग पे वो किस तरह से दिखाई देगा तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को काम में लेते हैं एंड दिस इज योर प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो वो ये आपसे पूछता है कि आपका प्रिंटर कौन सा है, आपको कॉपीज कितनी चाहिए उसकी, उसका प्रीव्यू देखना है कैसे दिखेगा वो आपको दिखेगा, प्लस इसके साथ में आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि पेज की जो साइज है वो लेटर साइज देनी है आपको, A4 साइज देनी है, A3 साइज देनी है, किस तरह का पेज अपने को लेना है वो सेलेक्ट करके आप उसको प्रिंट दे सकते हैं। सो दिस इज योर मेन फाइल मेन्यू पार्ट, ये जो है ये सारा आपका फाइल मेन्यू का पार्ट था। थैंक यू।